हेलो सेवेंथ क्लास, दिस इज़ योर मैथ सब्जेक्ट। चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू एक्सरसाइज ऑफ मैथ, फर्स्ट डी, डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। डिवीज़न ऑफ टू इंटीजर्स हैविंग लाइक साइन। व्हेन टू इंटीजर्स हैविंग सेम साइन लाइक बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव आर डिवाइडेड। Then find the quotient by dividing their absolute value and assign a positive sign to the quotient. In this situation, divide करते समय बेटा यदि हमारे दोनों integers positive होंगे तो हमारा quotient जो है वो positive में ही आएगा, और यदि हमारे दोनों integers negative में हैं तो तब भी हमारा quotient positive में ही आएगा। यहाँ पर आपको दो examples दिए हुए हैं। फर्स्ट इज 42 डिवाइड बाई 6। हेयर 42 एंड 6 बोथ आर पॉजिटिव साइन, सो यहाँ पर हमें 42 डिवाइड बाई 6 करना है सिंपली, और जो इनका क्वोशेंट आया बेटा 7 वो पॉजिटिव साइन में आएगा। सिमिलरली बी पार्ट, -32 डिवाइड बाई -4। इन दिस क्वेश्चन बोथ आर नेगेटिव साइन, सो सिंपली हमें 32 डिवाइड बाई 4 करना है तो हमारा 8 आया, बट 8 जो बेटा वो पॉजिटिव साइन में आएगा बिकॉज बोथ आर नेगेटिव साइन। नाउ सेकंड, डिवीज़न ऑफ टू इंटीजर्स हैविंग अनलाइक साइन। व्हेन टू इंटीजर्स हैविंग डिफरेंट साइन, यदि हमारे इंटीजर्स के अलग अलग साइन होंगे, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, देन फाइंड द क्वोशेंट बाय dividing their absolute value and assign a negative sign of the to the quotient. इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, अगर हमारा एक इंटीजर पॉजिटिव में है और एक इंटीजर नेगेटिव में है तो हमारा जो क्वोशेंट आएगा वो नेगेटिव में ही आएगा। नाउ देयर आर टू एग्जांपल्स, वन इज -133 डिवाइड बाय 19। इन दिस एग्जांपल वन इंटीजर इज नेगेटिव एंड अदर इज पॉजिटिव, सो आवर क्वोशेंट इज नेगेटिव साइन, सो हेयर आंसर इज -7। नाउ सेकेंड बी पार्ट इज आवर 154 डिवाइड बाय -14, सो हेयर इज ऑल्सो वन इंटीजर इज नेगेटिव एंड अदर इज पॉजिटिव, सो हेयर इज ऑल्सो नेगेटिव साइन आवर क्वेश्चन, सो नेगेटिव 11 मतलब -11। यहाँ पर बेटा हमें ये समझाया गया है कि अगर हमारा एक क्वेश्चन हम निकालते हैं तो हमारा यदि एक इंटीजर पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो हमेशा नेगेटिव साइन में ही आएगा। नाउ वी स्टार्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर। क्लोजर प्रॉपर्टीज़, डिवीज़न ऑफ टू इंटीजर्स मे और मे नॉट बी एन इंटीजर, दस इंटीजर आर नॉट ऑलवेज क्लोजर अंडर डिवीज़न। सो इसमें ये क्या कह रहे हैं बेटा, इसमें यदि हम टू इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी आ सकता है। यहाँ पर आपको टू एग्जांपल्स दिए गए हैं। फर्स्ट इज -9 डिवाइड बाय 3, सो आवर क्वेश्चन इज -3, सो -3 इज एन इंटीजर। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज आवर 16 डिवाइड बाय 5, हेयर 16/5, सो इट इज़ नॉट एन इंटीजर, इट इज़ इन फ्रैक्शन। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज आवर कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, डिवीज़न इज नॉट कम्युनिकेटिव फॉर इंटीजर। इन दिस प्रॉपर्टी बेटा ए डिवाइड बाई बी नॉट इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए, मतलब कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर हम एक डिजिट को दूसरे डिजिट से डिवाइड करते हैं और अगर हम इसका उल्टा करते हैं, दूसरी को पहली से डिवाइड करते हैं, तो आंसर हमारा सेम नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है 36 डिवाइड बाय -6, इसका अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन आएगा -6, एंड अदर कंडीशन -6 डिवाइड बाय 36 करते हैं तो ये आ जाएगा -6/36 इक्वल टू -1/6, सो वन साइड -6 एंड अदर साइड इज -1/6, सो बोथ आर नॉट इक्वल। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आवर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिवीज़न इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। इन दिस प्रॉपर्टी बेटा अगर हमारे पास थ्री डिजिट्स हैं ए बी सी,
सो अगर हम पहले बी और सी को डिवाइड करके ए से डिवाइड करते हैं और दूसरी कंडीशन में ए और बी को डिवाइड करके फिर सी से डिवाइड करते हैं तो बोथ कंडीशंस आर नॉट इक्वल। हेयर आर एग्जाम्पल, ए इज़ -8, बी इज़ 4 एंड सी इज़ -2। सो फर्स्ट हमने क्या किया, -8 और 4 को डिवाइड किया, देन -2 से हमने उसको डिवाइड किया तो आवर आंसर इज़ 1। नाउ नेक्स्ट हमने क्या किया, पहले हमने -4 और -2 को डिवाइड किया और देन -8 से उसको डिवाइड किया तो आवर आवर आंसर इज़ 4। सो बोथ आर कंडीशंस आर नॉट इक्वल। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आवर डिवीजन इज एन इंटीजर बाय इटसेल्फ। डिवीजन ऑफ एन नॉन जीरो इंटीजर बाय इटसेल्फ रिजल्ट इन कोशेंट 1। इस प्रॉपर्टी में क्या कहा जा रहा है बेटा, अगर हम किसी इंटीजर को उसी से ही डिवाइड करते हैं तो हमारा जो कोशेंट होगा, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा 1 आएगा। हेयर आर टू एग्जाम्पल्स, 11 डिवाइड बाय 11 इक्वल टू 1। 11 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो हमारा 1 आएगा। सिमिलरली सेकेंड पार्ट इज -24 डिवाइड बाई -24, सो आवर आंसर इज ऑल्सो 1। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिवीजन ऑफ एन इंटीजर बाय 1। हेयर डिवीजन ऑफ एन इंटीजर बाय 1 ऑलवेज रिजल्ट द इंटीजर इटसेल्फ। इस प्रॉपर्टी में बेटा क्या कहा जा रहा है कि हम किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा सेम इंटीजर ही आंसर आता है। हेयर आर टू एग्जाम्पल्स, 6 डिवाइड बाई 1, सो आवर क्वेश्चन इज 6। नाउ सेकेंड, -13 डिवाइड बाई 1, सो आवर क्वेश्चन इज -13। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिवीजन ऑफ 0 बाय एन इंटीजर। हेयर 0 डिवाइडेड बाय एन इंटीजर अदर देन 0 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या कहा गया है बेटा, अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं किसी भी इंटीजर से तो आवर आंसर इज ऑलवेज 0। जैसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पर आपको, 0 डिवाइड बाई 5, सो आवर आंसर इज 0। एंड सेकेंड में भी आपको सेम दिखाया गया है, 0 डिवाइड बाई -8, सो आवर आंसर इज ऑल्सो 0। नाउ यहाँ पर आपको एक कूल टिप दी हुई है, इसको देखेंगे बेटा, डिवीजन बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, दस ए डिवाइड बाई 0 इज मीनिंगलेस। बेटा इसमें क्या कहा गया है, वी कांट डिवाइड बाय 0 ऑफ एनी इंटीजर इन दिस सिचुएशन, वी से नॉट डिफाइंड। अगर हम यहाँ पर ए डिवाइड बाय 0 करते हैं तो इट मीन्स मीनिंगलेस, मतलब कि इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता। अगर हम किसी भी डिजिट को 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। सो डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड because a divided by 0 is meaningless. Now start exercise 1.D. A part is our select the correct answers. First question है बेटा, if x divide -7 is equal to -5 then the value of x is. इस question में आपको x की value find करनी है. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, तो फर्स्ट पार्ट है हमारा x डिवाइड बाई -7 इक्वल टू -5। तो बेटा इसमें हम -7 को इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे तो डिवाइड का हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो x इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई -7, सो आवर आंसर इज 35 बिकॉज बोथ साइन आर नेगेटिव। सो मल्टीप्लाई में बोथ साइन नेगेटिव तो आवर आंसर इज पॉजिटिव साइन। सो ए ऑप्शन 35 इज करेक्ट। नाउ सेकेंड, द सेट ऑफ इंटीजर इज नॉट क्लोज्ड अंडर, ये किस कंडीशन किस सिचुएशन में होता है, डिवीजन। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ थर्ड, 36 डिवाइड -9 डिवाइड बाय -24 डिवाइड 6। सो इसको सॉल्यूशन करना है, 36 अपॉन -9 डिवाइड 24 अपॉन 6। सो 36 डिवाइड -9, सो आवर आंसर इज -4। अगेन -24 डिवाइड 6, सो आवर आंसर इज -4। -4 डिवाइड बाय -4 इक्वल टू 1, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज -11 डिवाइड बाय 0,
So in this, division by zero is not defined. So our answer is D, not defined. Now start B part. Solve the following. First question है बेटा, find the quotient of the following. इनको हमें find करना है इनका quotient. तो A part हमारा है -81 divided by -3. So -81 upon -3. Here both sign are negative sign. So our quotient is positive sign. So 27 is our answer. B part is -54 divided by -6. So here is also both signs are negative. So our answer in our quotient in positive sign. So 9 is our answer. C part also both are negative. -729 divided by -9. So our quotient is always positive sign. So 81 is our answer. Here D part 99 divided by -1. Here one integer in positive and other is negative. So our quotient is negative. So our answer is -99. E part -1728 divided by 24. So here one sign in negative and other in positive. So our quotient is -72. F 4000 divided by -100. Here one integer in negative and other in one integer in positive and -100 in negative sign. So our quotient is in -40. G part -432 divided by -12. Here both integer are in negative sign. So our quotient is in positive sign. So our answer is 36. Now H part 4399 divided by -4399. So here both integer are same, but one is negative and one is positive. So in this condition our answer is 1 but -1. Question number 2, filling the blanks. A part 369 divided by dash equal to 369. In this question division of an integer by 1, किसी भी हम integer को divide करते हैं 1 से, तो उसका answer same आता है. So our answer is 1. B part 96 divided by dash equal to -12. यहाँ पर हम 96 को किस से divide करें कि हमारा जो answer है वो -12 आए. So our answer is -8. C part dash divided by -13 equal to 169. यहाँ पर इसको हम कैसे निकालेंगे, 169 को 13 से multiply कर देंगे. और 169 बेटा हमारा positive में है. So -13 is negative and our answer minus में ही आएगा. So -2197. D part is our -48 divided by -4 equal to 12. यहाँ पे -4 क्यों आया है, बिकॉज हमारा जो आंसर है 12 है वो पॉजिटिव में है. सो 48 नेगेटिव में है, तो 4 भी हमारा नेगेटिव ही आएगा. नाउ ई पार्ट डैश डिवाइड बाय 156 इक्वल टू -2. यहाँ पर हमें -2 दिया गया है. सो वन इंटीजर इन पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव. सो -312 इज इन नेगेटिव. ये 312 कैसे आया बेटा, 156 को 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है. सो हमारा आंसर आ जाएगा -312. एफ पार्ट डैश डिवाइड बाय -381 इक्वल टू 0. सो इन दिस प्रॉपर्टीज डिवीजन ऑफ 0 बाय एन इंटीजर. हम किसी भी इंटीजर को 0 को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 0. सो एफ पार्ट इज 0. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सी इन योर बुक वेरीफाई ए डिवाइड. बेटा यहाँ पर आपको एक करेक्शन करनी है. ब्रैकेट में जो बी डिवाइड सी है उसको आप प्लस करेंगे. मीन्स ए डिवाइड ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज नॉट इक्वल टू, बाकी आपका सेम रहेगा, ए डिवाइड बी प्लस ए डिवाइड सी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी. बेटा यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको इनकी ए बी सी की जो वैल्यू दी हुई है, आपको ऊपर जो कंडीशन दी हुई है उसमें पुट करके आपको वेरीफाई करना है कि ये एक दूसरे के बराबर नहीं है. सो सी
थर्ड ए गिवन ए इक्वल टू 12, बी इक्वल टू माइनस 2 एंड सी इक्वल टू 3. सो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी. ए बी सी की आपको वैल्यू पुट करनी है. लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, ए डिवाइड ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज. सो ए इज 12, सो 12 डिवाइड बी इज माइनस 2, सो बी की जगह हम माइनस 2 पुट कर देंगे एंड सी इज 3, सो सी की जगह हम 3 रख देंगे. सो आगे हम सॉल्यूशन करेंगे, 12 डिवाइड माइनस 2 प्लस सी करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1. सो हमारा आगे सॉल्यूशन हो गया 12 डिवाइड बाय 1, सो आवर आंसर इज 12. ऑन टेकिंग राइट हैंड साइड पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी. अब हम राइट हैंड साइड में ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड हमारी है ए डिवाइड बी प्लस ए डिवाइड सी. सो ए इज आवर 12 एंड बी इज माइनस 2 एंड सी इज 3. सो ए बी सी की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 12 डिवाइड माइनस 2 प्लस 12 डिवाइड 3. सो 12 अपॉन 2 प्लस 12 अपॉन 3. सो दिस इज माइनस 6 प्लस 4 इक्वल टू माइनस 2. सो माइनस 6 प्लस 4 हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 2. हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया था बेटा 12 और राइट हैंड साइड हमारा आया माइनस 2. सो बोथ आर नॉट सेम. सो हैंस ए डिवाइड बी प्लस सी नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बी प्लस ए डिवाइड सी. नाउ बी पार्ट गिवन ए इक्वल टू माइनस 6, बी इक्वल टू 1 एंड सी इक्वल टू 2. सो सेम ए की तरह हम करेंगे बेटा इसमें. ऑन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी. सो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी ए डिवाइड बी प्लस सी. सो ए बी सी की वैल्यू हम पुट कर देंगे माइनस 6 डिवाइड 1 प्लस 2. सो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3. सो माइनस 6 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 2. ऑन टेकिंग राइट हैंड साइड पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी. सो ए बी सी की वैल्यू हम राइट हैंड साइड में पुट कर देंगे. सो माइनस 6 डिवाइड 1 प्लस माइनस 6 डिवाइड 2. सो माइनस 6 अपॉन 1 इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 6 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 3. सो माइनस 6 माइनस 3 इक्वल टू माइनस साइन. तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा माइनस 2 है एंड राइट हैंड साइड में हमारा माइनस 9 है. सो बोथ आर नॉट इक्वल टू. सो हैंस ए डिवाइड बाय बी प्लस सी नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी प्लस ए डिवाइड बाय सी. नाउ क्वेश्चन नंबर सी गिवन ए इक्वल टू माइनस 4, बी इक्वल टू 3 एंड सी इक्वल टू 1. सो ऑन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी. ए डिवाइड बी प्लस सी. सो हेयर ए इज माइनस 4, बी इज 3 एंड सी इज 1. सो माइनस 4 डिवाइड 3 प्लस 1 करेंगे हमारा 4 आ जाएगा. तो माइनस 4 अपॉन 4 इक्वल टू माइनस 1. ऑन टेकिंग राइट हैंड साइड पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी. सो हेयर ए डिवाइड बी प्लस बी डिवाइड सी करेंगे तो हमारा माइनस 4 डिवाइड 3 प्लस माइनस 4 डिवाइड 1 आ जाएगा. सो माइनस 4 अपॉन 3 प्लस माइनस 4 अपॉन 1. सो हेयर आवर आंसर इज माइनस 16 अपॉन 3. सो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज माइनस 1 एंड राइट हैंड साइड इज माइनस 16 अपॉन 3. सो यहाँ पर भी ये दोनों बराबर नहीं है. सो हैंस ए डिवाइड बाय बी प्लस सी नॉट इक्वल टू बी डिवाइड ए डिवाइड बाय बी प्लस ए डिवाइड बाय सी. नाउ फोर्थ क्वेश्चन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. ए पार्ट है बेटा 4 माइनस 24 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 3. सो हेयर 4 हम सेम रखेंगे. अभी पहले हम इसको डिवाइड करेंगे. सो 24 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 3 हम सेम रखेंगे. सो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा 4 माइनस 6. 24 को हमें 4 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आ गया 6 मल्टीप्लाई 3. अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 6 3 जा 18. तो हमारा स्टेप आ गया 4 माइनस 18. सो अब हम क्या करेंगे 4 माइनस 18 करेंगे तो हमारा आंसर आ गया माइनस 14. नाउ बी पार्ट 14 अपॉन 7 मल्टीप्लाई माइनस 6. सो इसमें हम क्या करेंगे 14 को 7 से डिवाइड करेंगे हमारा आ गया माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 6. माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 6 करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 12. नाउ सी पार्ट इज माइनस 49 डिवाइड 9 फिर अगेन डिवाइड माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 डिवाइड 3.
तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, 45 को 9 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा -45 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा -5। प्लस हम 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 3, फिर अगेन डिवाइड 3 है, तो बेटा -5 डिवाइड 3, डिवाइड 3 करेंगे, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 1। सो -5 डिवाइड 1 तो हमारा आंसर आ जाएगा -5। नाउ डी पार्ट, -20 प्लस -8 डिवाइड -2 -3। सो सबसे पहले हम -8 डिवाइड बाय -2 करेंगे, सो -20 प्लस -8 अपॉन -2 -3। सो -8 अपॉन -2 इक्वल टू +4। सो नेक्स्ट स्टेप इज आवर -20 प्लस 4 -3। नाउ -20 -3 को हम प्लस कर देंगे तो आवर आंसर इज -23 एंड +4। सो आवर आंसर इज नाउ -19। ई पार्ट इज आवर -10 प्लस 10 डिवाइड -2। इन दिस क्वेश्चन वी सॉल्व फर्स्टली ब्रैकेट, सो -10 प्लस 10 इक्वल टू 0, देन डिवाइड -2। सो 0 डिवाइड -2 इक्वल टू 0, सो आवर आंसर इज 0। नाउ एफ पार्ट इज -15 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 3 एंड डिवाइड -2 मल्टीप्लाई 2 प्लस -1। सो इन दिस क्वेश्चन वी डू फर्स्टली 2 मल्टीप्लाई 3, सो -15 मल्टीप्लाई -2 इज सेम, एंड डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6 एंड -2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू -4 एंड प्लस माइनस माइनस हो गया 1, -1 आ गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज आवर -15 मल्टीप्लाई -2, ये हमारा हो गया बेटा 30 एंड आगे डिवाइड 6, अगेन डिवाइड -4 -1 इक्वल टू हमारा होता है -5। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज 30 डिवाइड बाय 6 डिवाइड -5। यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप में हम 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 डिवाइड -5। सो 5 डिवाइड -5 इक्वल टू -1 इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सी इन योर बुक द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज -50, इफ वन ऑफ द इंटीजर इज -2 फाइंड द अदर। सो हेयर प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज -50, इफ वन इंटीजर इक्वल टू -2 देन अदर इंटीजर, इसका फार्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर अपॉन वन ऑफ द इंटीजर। सो -50 अपॉन -2 इक्वल टू 25 इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सी इन योर बुक डिटरमाइन द इंटीजर विच वैन डिवाइडेड बाय -1 गिव्स -42। इसमें क्या कहा गया है बेटा कि हमें वो इंटीजर फाइंड करना है जिसको हम -1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -42। सो यहाँ पर लेट द इंटीजर बी x, सो x डिवाइड बाय -1 इक्वल टू -2। सो x को हम फाइंड करेंगे तो डिवाइड जो है इक्वल टू के उधर जाकर मल्टीप्लाई का हो जाएगा, सो हेयर -42 मल्टीप्लाई -1, सो आवर आंसर इज 42 बिकॉज बोथ इंटीजर आर नेगेटिव, आवर आंसर इज पॉजिटिव, सो x इक्वल टू 42, हैंस इंटीजर इज 42। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सी इन योर बुक द टेम्परेचर ऑफ अ रूम एट 12 नून इज 12 डिग्री सेल्सियस, द रूम टेम्परेचर डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2% 2 डिग्री सेल्सियस पर हावर, फाइंड द टेम्परेचर एट 6 PM एंड एट midnight। आपको यहाँ पर एक रूम का टेम्परेचर दिया गया है दोपहर 12 बजे का, वो क्या है 12 डिग्री सेल्सियस, और आपको आगे दिया हुआ है कि ये टेम्परेचर हर घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है, तो आपको फाइंड करना है कि 6 PM पर कितना टेम्परेचर होगा रूम का और मिडनाइट में कितना टेम्परेचर होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेम्परेचर एट 12 PM इक्वल टू 12 डिग्री सेल्सियस, रेट ऑफ द टेम्परेचर डिक्रीजिंग फॉर आवर, कितना डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज के लिए हम
माइनस का साइन लगाएंगे, -2 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर एट 6 PM, 6 PM का हम टेम्परेचर निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 12 डिग्री सेल्सियस प्लस 6 × -2 डिग्री सेल्सियस। नाउ 6 × 2 = 12, सो 12 डिग्री सेल्सियस -12 डिग्री सेल्सियस = 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर एट 12 midnight, सो इसके लिए क्या करेंगे, 12 डिग्री सेल्सियस प्लस 12 × -2 डिग्री सेल्सियस। सो 12 × -2 = -24 डिग्री सेल्सियस। सो 12 डिग्री सेल्सियस -24 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -12 डिग्री सेल्सियस। सो द टेम्परेचर एट 6 PM इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड एट midnight इज -12 डिग्री सेल्सियस। नाउ एट्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है बेटा, एक एलिवेटर है जो ग्राउंड लेवल से 150 मीटर ऊंचा है और उसकी स्पीड दी गई है 5 मीटर पर मिनट। आपको टाइम फाइंड करना है जब वह एलिवेटर जो है 150 मीटर ग्राउंड लेवल से नीचे चला जाए। तो इसके लिए आपको पहले डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अबव द ग्राउंड माइनस बिलो द ग्राउंड। सो अबव द ग्राउंड इज आवर 150 एंड बिलो द ग्राउंड इज -150। सो 150 -150, सो हेयर माइनस माइनस इज प्लस, सो 150 प्लस 150 इक्वल टू 300 मीटर। नाउ स्पीड इज गिवन इक्वल टू 5 मीटर पर मिनट। नाउ टाइम निकालने के लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस इज हेयर 300 मीटर एंड स्पीड इज 5 मीटर पर मिनट। सो आवर आंसर इज 60 मिनट। 60 मिनट को हम क्या कहते हैं बेटा, 1 घंटा, मीन्स 1 आवर। सो एन एलिवेटर विल गिवन विल टेकन 60 मिनट, मीन्स 1 आवर टू रीच 150 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। नाउ 9th question इज राइट 5 pair ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट ए डिवाइड बाई 5 इक्वल टू -b। वन पेयर आपको दिया हुआ है -10 एंड 2, बिकॉज -10 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारा आंसर आ जाएगा -2। सो ऐसे ही आपको पेयर लेने हैं, 5 pair लेने हैं। 1 pair आपको दिया हुआ है। नाउ सेकेंड पेयर इज -20 एंड -4, बिकॉज -20 डिवाइड 5 इक्वल टू -4। नाउ थर्ड पेयर इज -5 एंड 1, बिकॉज -5 डिवाइड 5 इक्वल टू -1। फोर्थ पेयर इज -25 एंड 5 -5, बिकॉज -25 डिवाइड 5 इक्वल टू -5। नाउ फिफ्थ पेयर इज -30 एंड -6, बिकॉज -30 डिवाइड 5 इक्वल टू -6। इन दिस क्वेश्चन यू टेक एनी इंटीजर्स, बट आपको बेटा ये ध्यान रखना है कि दीज आर कंप्लीट दिस सिचुएशन, जो कि क्या है, ए डिवाइड 5 इक्वल टू -b। नाउ 10th question इज डिवाइड -125 बाई 25 एंड देन एड द क्वेश्चन टू द प्रोडक्ट ऑफ -30 एंड -3। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया बेटा, पहले आपको -125 को 25 से डिवाइड करना है और उसके बाद -30 को -3 से मल्टीप्लाई करके जो दोनों के आंसर आएंगे उनको हमें ऐड करना है। सो स्टार्ट द क्वेश्चन, -125 डिवाइड 25 इक्वल टू -5 एंड प्रोडक्ट ऑफ -30 एंड -3 इक्वल टू 90। सो ऐड द क्वेश्चंस, 90 प्लस -5 इक्वल टू 90 माइनस 5, सो आवर आंसर इज 85। नाउ चिल्ड्रन, योर चैप्टर 1 इज ओवर। योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक। थैंक यू स्टूडेंट्स।